बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर हमारे साथ वीना गोयल मैम नेविगेटर इमिग्रेशन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड से हमारे साथ मौजूद हैं और आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के जनवरी इनटेक की। नवंबर इनटेक बहुत कम स्टूडेंट्स के लिए बचा है जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स या फंड्स रेडी हैं, लेकिन जनवरी इनटेक के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हैं। तो जनवरी इनटेक में इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए कैसे कैसे प्रोफाइल के लिए स्कोप है और किन प्रोफाइल्स को जनवरी इनटेक में ज़्यादा अच्छे तरीके से वीज़ा मिलने की उम्मीद है, ये तमाम पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। वीना मैम आपका स्वागत है जी। नमस्कार। थैंक यू सो मच। वीना मैम, जनवरी इनटेक आपकी नज़र में अभी कैसा रहने वाला है और किस तरह के प्रोफाइल हैं वो होपफुल हो जाएं वीज़ा के लिए? डल्ला साहब, ऐसा है कि जो जैन इनटेक है बहुत ही ज़्यादा बच्चा जाने वाला है क्योंकि वीज़ा सक्सेस रेट 96-97% रहने वाला है। ऑलरेडी सबको पता है कि फ़िल्टर्स लग चुके हैं, बहुत ज़्यादा फ़िल्टर लग चुके हैं कि कैसा बच्चा चाहिए। उसके बाद अब यूनिवर्सिटियों पे भी फ़िल्टर लग गए हैं कि इससे ज़्यादा बच्चा नहीं ले सकते। हर यूनिवर्सिटी को, हर प्राइवेट कॉलेज को, हर टेफ इंस्टीट्यूट को कोटा आज तक पूरा मिल चुका है। अब किसी यूनिवर्सिटी को 10,000 मिली हैं तो किसी को 9,600 मिली है और किसी को 2,500 भी मिली हैं। 23 में कितना स्टूडेंट गया है बेस्ड ऑन दैट डाटा। अब एक होम्स इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ऑफशोर स्टूडेंट नहीं लिया, ऑनशोर ज़्यादा लिया, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट ज़्यादा लिया लेवल वन में रहने के लिए। उनको उतनी सीटें नहीं मिली जितनी एक MIT को मिल गई, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को 1,000 से ऊपर मिली हैं उनको। तो ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी का, उस पर डिपेंड करता है कि हर यूनिवर्सिटी का कोटा फिक्स हो गया है और उस कोटा में अब यूनिवर्सिटी अपना जो है ख़राब नहीं करना चाहेगी कि बच्चा आया और भाग जाए। तो अब भागने वाला सिस्टम भी नहीं रहा क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के पास उतनी ही सीटें हैं जितनी वो अपने बच्चों को देंगी। तो अब बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जाके चेंज कर ले या कुछ और कर ले। तो अब जो बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चा बहुत समझ के जाए कि मेरे को ये यूनिवर्सिटी में ये कोर्स पढ़ना है। दैट मीन्स उसको क्या करना चाहिए कि जिस कोर्स में इंटरेस्ट है वो ही कोर्स ले, जिससे कि उसका टाइम और पैसा ख़राब ना हो। लेकिन फ़िल्टर इतने लगे हों कि IELTS भी आपको प्रॉपर चाहिए, आपका बैंक बैलेंस भी प्रॉपर होना चाहिए, पेरेंट्स की इनकम भी अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम 12 लाख के आसपास वो मांगते हैं। अगर आपका ये सारे फैक्टर्स पूरे हो रहे हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी और यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी और वीज़ा भी आपका आना ही, अगर यूनिवर्सिटी ने अपने फ़िल्टर पे आपको मतलब अपनी कसौटी पे पूरा कर लिया। क्योंकि वीज़ा फीस भी बढ़ चुकी है, लिविंग एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके हैं जो एम्बेसी में दिखाने हैं। तो हम क्या ये मान के चले कि अगर यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड है और अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर कर ली तो वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे? बहुत ज़्यादा रहेंगे क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का, किसी को 10,000 मिली है तो किसी को 5,000 सीट मिली है, किसी को 2,500 मिली है। तो हर यूनिवर्सिटी की सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। अब उससे ज़्यादा वो COE इशू नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि अगर उतनी ही COE हैं जितना उन्होंने वीज़ा देना है, तो नेचुरल है कि यूनिवर्सिटी ने बच्चा फिल्टर करके लिया है। पहले कोई भी प्राइवेट कॉलेज, चलो अगर यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं दी तो कॉलेज उठा लेता था या प्राइवेट यूनिवर्सिटी उठा लेती थी। अब सबके पास एक कोटा, उससे ज़्यादा वो उठा नहीं सकते और अपनी सीट कोई भी ख़राब करना जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी ने अगर 10,000 सीटों की अपनी कैपेसिटी बनाई हुई है, गवर्नमेंट से अप्रूवल ली हुई है और उसको अगर 4,000 सीट मिली है 10,000 की जगह, तो 6,000 सीटों का तो ऑलरेडी उनका लॉस है। तो अब जो 4,000 बची हैं उन 4,000 से ही उनको अपने खर्चे निकालने हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को फंडिंग नहीं करती है। यूनिवर्सिटीज़ को अपने रिसोर्सेज से ही फंडिंग करके और यूनिवर्सिटी चलानी है, इसीलिए वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंट होते हैं। अब जो यूनिवर्सिटियों के पास अगर कोटा कम आया है और उतना बच्चा अगर उनका मान लीजिए 4,000 है और ऑल ओवर वर्ल्ड देनी है, खाली इंडिया को तो देनी नहीं है,
उन 4,000 में मान लीजिए उनके अगर 400 सीट खराब हो गई, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो उनको बहुत नुकसान होने वाला, उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इनका सीधा जो कैलकुलेशन वो है कि वीज़ा आना चाहिए, बच्चा पढ़ना चाहिए, तब ही वो अपनी यूनिवर्सिटी चला पाएंगे। ऑल दो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने जो है इनकी फंडिंग बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था अपने रिसोर्सेज आप खुद क्रिएट करो और आप खुद यूनिवर्सिटी चलाओ, तो इसलिए इनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को बच्चों पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट अच्छी लेंगे, और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट में आप कह लो जिन्होंने स्टेम कोर्सेज की, बिजनेस के अच्छे कोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, क्योंकि ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया वैसे बच्चों की डिमांड ज़्यादा, और वो बच्चा फोकस्ड है, वो पढ़ने जाता है, वो मिसयूज़ नहीं करता पाथवे को, तो इसलिए जो है मेरे ख्याल जो अब अच्छे बच्चे हैं उनको ही वीज़ा मिलने हो। जी चलिए, थैंक यू सो मच। सो नेविगेटर्स का स्क्रीन पे नंबर है, आप इंडिया के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन फ़ोन करके भी वीना मैम से बात कर सकते हैं, जूम मीटिंग बुक कर सकते हैं, और जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।